ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो मैं अभी अभी एंट्री कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स आजीवासन के हैं सभी बहुत ही अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त गा रहे होंगे। मैं भी सुन रहा हूँ और काफ़ी लोगों के बारे से मैं सुन रहा हूँ कि ना बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आजीवासन के बारे में कि जब भी कोई आउट ऑफ बॉम्बे से आता है और उसको कहना उसको म्यूज़िक सीखना होता है तो मेरे जहन में सिवाय आजीवासन के कोई नाम नहीं आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ का नंबर दिया है, यहाँ सुरेश जी से डायरेक्टली मिला, थैंक यू सो मच सुरेश जी, एक कहने पे उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर बॉम्बे में म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक सीखने की बात करें, तो मेरे ख्याल से आजीवासन के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। और बहुत सारे बहुत मज़ा आता है यहाँ पर जब ना मुलाकात होती है। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आखिरी सवाल है? रनिंग प्रोजेक्ट मेरे जैसे हैप्पी भाग जाएगी अभी रिलीज़ हुई है, उसका गाना मैंने गाया है यारम। इसके अलावा ये तो टू मच हो गया, अरबाज़ भाई की जो फिल्म आई है उसमें हैरत आशिकी, फिर मीर आधा करके एक फिल्म आई है, फिर ये कहानी झूली की उसमें मैंने गाया है, प्लस मैं कुछ सिंगल्स पे भी कुछ काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा और बहुत सारे गाने गाए हैं जो बिफोर रिलीज़ मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो। आई थिंक ये थर्ड फेस्ट है इस आजीवासन का, थर्ड ईयर है और इतने सारे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अभी ऊपर बस जाने वाली हूँ बट मुझे पता है इससे पहले बहुत अच्छे इतने अभी तक आवाज़ें आ रही हैं क्राउड की, चेयरिंग की, हूटिंग की, तो आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम सो एक्साइटेड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फेस्ट। इसको देख के ऐसा लगता है अपने म्यूजिक के लिए नया आ जाता है जब आप सिंगिंग करते सीखते थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं एलुमनी रह चुकी हूँ, मैंने सुरेश जी से डायरेक्ट सीखी हूँ और आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बीन 7 ईयर्स जो मैंने जब सुरेश जी से सीखा था। तो वापस आना आजीवासन में, बच्चों को परफॉर्म करके देखना और आजीवासन इतना बदल गया है इन 12 सालों में, तो ये एक यू नो एक बहुत अच्छी प्लानिंग से सुरेश जी ने हर चीज़ सिस्टमैटिक करके इस ग्रुप को, आजीवासन को एक नया लेवल दिया है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं यहाँ पे वापस आ रही हूँ एंड आई वुड लव टू परफॉर्म इन द यू नो ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ सुरेश जी अगैन। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है? अभी तो आपने सुना मेरी जैसे हैप्पी भाग जाएगी, आपने सुना होगा गबरू रेडी टू मिंगल है, और अभी पंजाबी सिंगल भी मेरी आई है लाली मुंदरी, और आई होप फिंगर्स क्रॉस मेरी आने वाली है एक XXX जो एक बालाजी की मूवी है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जल्दी आए और आप लोगों को जल्दी एक और मौका मिले गाना सुनने को। पहला गाना कौन सा जिसने आपको एक ब्रेक मिला, आपको एक पहचान मिली? मेरा पहला गाना था चाहत एक नशा से, दिलबर ओ दिलबर, जो कि आनंद राज आनंद जी का म्यूज़िक था। और उसके बाद जब से मतलब मैंने वो गाना गाया और उसके बाद से धीरे धीरे आई जस्ट हैव टू लुक अहेड, आई मीन ऑन द टॉप। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरी पहली शुरुआत आनंद राज आनंद जी से हुई थी और उसके बाद सुहेल जी के साथ आई एम वर्किंग एंड देन राम संपत के साथ आई एम वर्किंग एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल आई एम वर्किंग विद। तो मतलब बीइंग अ पंजाबी जब वो ढोल बजता है तो आप अपने आप ही नाचना ढिंग लग लगते शुरू हो ही जाता है, भंगड़ा अपने आप ही हो जाता है। सो लाइक जैसे मेरा गाना था लाली मुंदरी तो वैसा है, लालियो मुंदरी मेरी, लालियो मुंदरी मेरी, चला दे नाल मई वई, हुण क्यों नहीं देंदा मैनू अपना रुमाल वई वई, अपना रुमाल वई वई, लालियो मुंदरी मेरी। तो ये गाना काफी भाग जाए में गाना काफी पॉपुलर हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? एक लाइन गुनगुनाएंगे आप? ऑफ कोर्स। हो बड़ा सिंह ओ बड़ा सुंदर तेरा स्टाइल है, मोनालिसा स्माइल है, जान से मारेगी क्या क्यों देख रही टक टक के, गुड़िये जो तू सिंगल है गबरू रेडी टू मिंगल है, गुड़िये जो तू सिंगल है गबरू रेडी टू मिंगल है। तो मेकअप आजी ने तो ऑब्वियसली उसमें 4 चांद लगा ही दिए हैं एंड आई एम वेरी यू नो ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू सुहेल कि उन्होंने मुझे अगेन गाने का मौका दिया आफ्टर सैयारा। रनिंग प्रोजेक्ट जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि XXX आ रही है एकता कपूर की एंड आई होप वो जल्दी आए एंड सम ऑफ माई फ्यू सिंगल्स आर ऑन द प्लेट ऑन द प्लाटर, सो आई होप आप जल्दी सुनेंगे उन सबको। थैंक यू।
मलिक फैमिली छा गई है अभी, ये दो दौर है 15-16 का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरमान मलिक हो या अमाल मलिक, या फिर अरमान मलिक, अमाल मलिक, अनु मलिक जी तो ऑब्वियसली हमेशा एवरग्रीन है, तरन्नुम मलिक तो आई थिंक अरमान एंड अमाल आर ऑलरेडी यू नो बीइंग बस, लेकिन क्या कहते हैं हम, मतलब मेरा भी यही है कि अब एक मलिक, दो मलिक के साथ तीसरा मलिक भी जुड़ना चाहिए, तो आई होप कि वो जल्दी हो एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट कि उनके साथ मैं जल्दी काम करूँ एक नई मूवीज़ में। तो थैंक यू।